सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल और वेलकम टू माय डिसेबिलिटी चैनल। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये फोर्थ क्लास के जितने भी ईवीएस के नोट्स हैं, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में जो मैंने आप सबको पढ़ाया था, वो थर्ड क्लास के बारे में था, डिटेल में चैप्टर वाइज जितने कॉन्सेप्ट थे और उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके बारे में मैंने बताया था। बट आज इस वीडियो में जो बात करेंगे वो फोर्थ क्लास के बारे में बात करेंगे, फोर्थ क्लास के जितने भी चैप्टर हैं और उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2011 से लेके 2022 तक के, उनके बारे में बात करते हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। तो फर्स्ट चैप्टर है गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल में आगे हम बात करते हैं, तो गोइंग टू स्कूल में हम आसाम में, क्या है आसाम? एक जगह है जहाँ पे बांसों से बना पुल यूज किया जाता है और उसको बैम्बू ब्रिज कहा जाता है आसाम में। और मैंने यहाँ पे जो है इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कि इट रेन सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर, वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतनी बारिश होती है कि कभी बारिश के बाद घुटने तक पानी भरा हुआ होता है, लेकिन कभी वह रुकता नहीं है। पर हमें स्कूल जाने से हमें किताबें एक हाथ में रखते हैं और बांस और दूसरे के सहारे हम स्कूल जाने के लिए रस्सी के पुल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ पे होता है? ये आसाम में होता है। सेकंड चलते हैं, इन लद्दाख वुडन ट्रॉली। लद्दाख में क्या यूज होती है? वुडन ट्रॉली यूज होती है। तो इनको क्या है, ये इनको रिवर क्रॉस करने के लिए ऐसी वुडन ट्रॉली यूज करनी होती है, और एक तरीके से ये आयरन जो रोप होती है उसका इस्तेमाल करके ये इससे जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि लद्दाख में क्या यूज होता है। आगे चलते हैं, केरला में क्या यूज होता है? केरला में वलम यूज होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला पी यूज अ वलम, एक स्मॉल वुडन बोट होती है जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में हेल्प करती है, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव। आगे चलते हैं, ये कैमल कार्ट है राजस्थान में, सबने देखी होगी। जो राजस्थान के उनको तो बहुत बेहतर पता होगा, बट और लोगों जिनको नहीं पता, जो वैसे एरियाज में रहते हैं जैसे दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वहां पे क्या है, कैमल कार्ट यूज होती है, ऊंट गाड़ी। तो वी लिव इन द डेजर्ट, हम रेगिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे क्या है, सब जगह पे क्या है, सैंड है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन ए कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। तो हमें क्या है, कैमल कार्ट पे जाना पड़ता है राजस्थान के। हैं बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी सबने देखी है, बहुत जगह पे यूज होती है, ये जगह जगह पे यूज होती है। तो ये भी क्या है, बुलक कार्ट जो है एक तरीके से आने जाने का जरिया है, जिन पे लोग स्कूल के बच्चे जो है ये बैलगाड़ी पे जाते हैं, गाँव वाले जो एरियाज होते हैं। साइकिल की सवारी, बाइसाइकिल राइड, ये भी आपको बहुत गांव में देखने को मिल जाएगा कि जो लड़कियों का ग्रुप है वो जो है 7 से 8 लड़कियों का ग्रुप जो है साइकिल्स पे जाता है, जो ऐसे एरियाज हैं जो गांव जैसे जहाँ पे स्कूल जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं या फिर और 12 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ बाइसाइकिल राइड। आगे चलते हैं, ये है गुजरात। गुजरात के अंदर क्या यूज होता है? जुगाड़। जुगाड़ की फोटो आप देख रहे हैं, ये जुगाड़ की फोटो है और इसको क्या बोलते हैं, फुटफुट बोलते हैं, इट्स साउंड लाइक फुटफुट। और ये यूज होती है वही बच्चों को इधर से उधर ले जाने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं इजीली जा सकें, और ये लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है इसलिए इसका नाम जुगाड़ है। और ये यूज कहाँ होती है? ये गुजरात में यूज होती है, याद रखना है। आगे चलते हैं, ये जंगल से जाते हुए बच्चे क्रॉस दी जंगल, तो ये कौन सा एरिया है? ये उत्तराखंड का एरिया है। तो बच्चे कहाँ है, उत्तराखंड में या उस वाले एरिया में क्या है, स्कूल जाते हैं पहुंचने के लिए, क्योंकि स्कूल जो है थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो उनको जाने के लिए क्या है, जंगल क्रॉस करना पड़ता है। आगे चलते हैं, ये नॉर्थन हिल्स है। नॉर्थन हिल्स में क्या होता है, देखो हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं, मीलो फैली बर्फ पर चलकर, हाथ पकड़कर, उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से। तो ये क्या है, नॉर्थन हिल्स है, जहाँ पे क्या है बच्चे जो है स्कूल जाते हैं बर्फ के अंदर चल के, जमी हुई बर्फ के अंदर चल के। आगे चलते हैं, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में क्या है, रॉकी पाथ्स, तो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चे ही भले मुश्किलों में लगे, पर हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो ये उत्तराखंड के बच्चे हैं जो रॉकी पाथ्स को यूज करके आगे जाते हैं। आगे चलते हैं, ये चैप्टर था, इस चैप्टर से मैंने कोई अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे नहीं है, पर लेकिन आप ये लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है पार्ट। आगे चलते हैं, ये चैप्टर सेकंड है, ईयर टू ईयर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहला, इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम एनिमल्स यू कैन नॉट, वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। तो कुछ एनिमल्स में क्या है, हम उनके कान देख सकते हैं, कुछ ओके नहीं देख सकते। तो हम जैसे बर्ड है, बर्ड के कान नहीं देख सकते। अब बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ हिज हेड, जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स, दे हेल्प द बर्ड्स टू हियर। तो उनके जो है कान ढके हुए होते हैं, किन से, उनके पंखों से। कुछ जानवरों में आप कान देख सकते हैं और कुछ में नहीं देख सकते। हम एक पक्षी के कान नहीं देख सकते जिनके सिर के जो दोनों तरफ है क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए, इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड हेड, दीज आर इट्स ईयर। अ क्रोकोडाइल हैज ऑल्सो ईयर लाइक दिस, बट वी कैन नॉट सी दैट इजिली। तो जैसे इसके जो ईयर्स हैं आपको दिख रहे हैं, छिपकली के जो दोनों ये आप देख रहे हैं, मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये इसके कान हैं जो आप आसानी से देख पा रहे हैं, बट लेकिन आप क्रोकोडाइल के नहीं देख पाएंगे जो मगरमच्छ बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। तो जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जानवरों की स्किन पे, वो उनकी हेयर्स की वजह से होते हैं। तो जितने आप जानवर देख रहे हैं, जिसमें जेब्रा है, टाइगर है, और हिरन है, और ये गिलहरी है, तो ये इनकी जो है इनके हेयर्स की वजह से है। आगे चलते हैं, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो होता क्या है, जिन एनिमल्स के आप कान विजिबल हैं, कान देख पाते हैं, और उनकी बॉडी पे हेयर भी हैं, तो जैसे मैंने फोटो में बता रखा है इन दोनों के, जैसे आपको कान दिख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। और भी एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, आप जैसे ये हैं जेब्रा है और इधर कैट है, तो ये इनके कान विजिबल हैं। तो जिनके कान विजिबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते। आगे चलते हैं, ये देखिए, दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स, जिनके कान नहीं दिखते, या फिर है भी मतलब उनके ईयर्स नहीं है आउटसाइड, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग। तो जिनके बॉडी पे हेयर्स नहीं है और जिनके कान आपको दिखते नहीं है, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं, ये जो है आपकी मुर्गी जिसे बोलते हैं हैन, और ये सांप है, स्नेक। और आगे चलते हैं, ये देखिए, ये क्रोकोडाइल है, ये आपका फ्रॉग है, तो इनकी बॉडी पे हेयर्स भी नहीं है और इनकी ये जो है ये एग्स देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे चलते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो ये फरवरी 2014 का पेपर है, और फरवरी 2014 के पेपर में क्या आया है, एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो जो एनिमल्स हैं जिनके बाहर कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यंग वंस को देते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी पे चलते हैं, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। तो जिनके कान हमें नहीं दिखते हैं और उनकी जो बॉडी पे हेयर है, तो वो क्या करते हैं, एग देते हैं। तो ये भी सही है। सी पे चलते हैं, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव टू दी, पर ये भी गलत है, ये सी गलत होगा आपका। तो इसमें जो है आपका ये सी जो है, ये सी गलत है, और एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी, ये ले एग्स, ठीक है, तो इनका क्या, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, इसका आंसर फोर्थ होगा। आगे चलते हैं, द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर। तो ये सितंबर 2016 का पेपर है, तो वो किस लिए है, वो ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। तो इसका आंसर थर्ड होगा, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, इसका आंसर थर्ड होगा। आगे चलते हैं, इससे चैप्टर से इतने ही थे, और ये चैप्टर थर्ड है, अ डे विद नंदू। इस चैप्टर के आगे बारे में जानते हैं, झुंड में रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स। तो एलिफेंट्स क्या है, वो झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तो इतने क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, और ये इंपॉर्टेंट है। केवल 2 से 4 घंटे की नींद सोता है, टेक्स 2 to 4 आवर्स ऑफ स्लीप, और बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, एल्डरली एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड। तो ये क्या है, ये एलिफेंट्स के बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी जो नोट्स हैं इस चैप्टर के। आगे चलते हैं, चिल्ड्रन ऑफ 10 to 12 एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स। जो जो बच्चे होते हैं हाथी के, वो 10 से 12 क्या होते हैं, वो झुंड में रहते हैं। एलिफेंट्स स्टे इन हर्ड्स फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो झुंड में कब से रहते हैं, 14 to 15 ईयर्स की एज में। और कितने रहते हैं, 10 to 12 एलिफेंट्स। अब बेबी ऑफ 3 months ऑफ एज वेट्स अबाउट 200 kg। तो जो बेबी एलिफेंट होता है, उसका जो 3 महीने का होता है, उसका कितना वेट होता है, 200 kg। द एलिफेंट लाइक्स बनानास, एनिमल डज नॉट स्वेट,
ये जो है लार्जेस्ट मैमल है अर्थ साइड पे। हाथी को पसीना नहीं आता पहली चीज, और ये पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्तनधारी जो है मैमल्स है। आगे चलते हैं, और पॉइंट है एलिफेंट्स के बारे में। तो एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, हाथी को मिट्टी और पानी से खेलना बहुत पसंद है। और द मड कीप्स देयर स्किन कूल, तो मड जो है उनकी स्किन को क्या है ठंडा करने में हेल्प करती है। द बिग ईयर्स आल्सो वर्क्स लाइक फैंस, जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं वो उनको पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, तो उनको वो फड़फड़ाते हैं खुद को ठंडा करने के लिए। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट होगी। अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई 2013 का। एन एलिफेंट हर्ट हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स अप टू 14 टू 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अभी चलते हैं करते हुए। एन एलिफेंट हर्ट कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ अ पार्टिकुलर फैमिली, तो ये तो गलत है आपका, ये तो सुनने में देखने में गलत लग रहा है। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ट, ये जो ओल्डेस्ट फीमेल है ये क्या है आपकी लीडर होती है, ये तो मैंने बताया आपको, तो ये तो आपके हिसाब से ठीक होगा। और ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। एन एलिफेंट हर्ट में एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस, तो हाथियों के झुंड हो सकता है किसी भी संख्या को समायोजित करें मादा हाथी और युवा वाले, तो ये भी आपको स्टेटमेंट गलत लग रही होगी, ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी, तो इसका आंसर होगा सेकेंड वन, ये वाला ए एंड सी। आगे चलते हैं, ये सेकेंड, ये 61 क्वेश्चंस है फरवरी 2014 का। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मडी वाटर एज कीप देयर स्किन कूल, तो ये वाली तो स्टेटमेंट, ये जो फर्स्ट है ये तो ठीक है। मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 आवर्स अ डे, ये तो गलत है क्योंकि 2 to 4 आवर्स वो सोते हैं, मैंने बताया था आपको। अ 3 month ओल्ड एलिफेंट वेट्स अबाउट 200 kg, ये ठीक है। मोस्ट एलिफेंट ईट अबाउट 100 kg ऑफ लीव्स या ट्विक्स इन वन डे, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ किस में, थर्ड ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये घुमा घुमा के दिए हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूज करने के दे सके, तो आप ऐसी चीजों में मत फंसना, आप हर क्वेश्चन को डीपली देखना और उसके जो नोट्स हैं बहुत अच्छे बनाना। चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडीज, ये तो सुनने में गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा था। और 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट्स जनरली वेट अबाउट 2 quintals, तो ये तो ठीक है। 2 quintals का मतलब होता है 1 quintal में 100 kg होता है, तो 2 quintal में 200 kg, जो मैंने आपको नोट्स में बताया वो 200 kg है, तो ये वाला आपका ठीक है। तो यही जो स्टेटमेंट है आपकी, हमें आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट ठीक है, और इसमें एक ही स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स, तो हमें क्या है स्टेटमेंट एलिफेंट के बारे में बतानी है कौन सी ठीक है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 आवर्स इन अ डे, तो ये तो ठीक है। एन एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स इन अ डे, तो ये तो गलत है, 100 kg खा लेता है, मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, तो ये आप कंफ्यूज मत होना, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला देखिए। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका अब इस क्वेश्चन को निकालते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, तो ये जो है सेकंड वाला गलत है। अब ये क्या है, दे लव टू प्ले विद मड, ये ठीक है। एन एलिफेंट हर्ट द ओल्डेस्ट, ये भी ठीक है। देन ओल्डेस्ट जो फीमेल है वो क्या है एलिफेंट की, जिनमें सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है, तो वो क्या होती है मेन एल्डर जो एलिफेंट होती है, तो इसका आंसर होगा ए सी डी, सी डी ए ये दे रखा है, थर्ड ऑप्शन होगा आपका। आगे चलते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 का। एलिफेंट्स लिव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड्स, ये भी ठीक है आपका, फर्स्ट ऑप्शन। एन एलिफेंट हर्ड हैज ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स, तो ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला, फीमेल्स और बेबी एलिफेंट्स होते हैं, ये भी ठीक है। एन हर्ट मे हैव एनी फीमेल एलिफेंट्स विद देयर यंग वन, ये गलत लग रहा है। मेल एलिफेंट्स लिव इन हर्ट टिल दे आर 5 years old, ठीक है। देन दे, तो ये आपको क्या लग रहा है, आपको थोड़ा गलत से नहीं लग रहा, तो इसका आंसर ये ए एंड बी, इसका आंसर थर्ड होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सी ओ डी गलत है आपकी। आगे चलते हैं,
ये भी इसी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी ये हिंदी में मैंने आपको दे रखा है, जिनको जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको भी प्रॉब्लम ना हो तो वो इजीली इस क्वेश्चन को देख सकें, और इसका आंसर थर्ड ऑप्शन है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो एन एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल्स, 2 क्विंटल से ज़्यादा खाता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट्स मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग, ये भी गलत है। इवन अ 3 ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट्स अबाउट 200 kg, तो ये तो सही है। ऑन एन एवरेज मोस्ट एलिफेंट 9 to 10 आवर्स, ये भी गलत है। तो आपकी ना इससे प्रैक्टिस होगी बहुत ज़्यादा पेपर के लिए, आपको देखते ही जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर थर्ड होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेड ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज, तो जो जो हेड होता है एलिफेंट्स का वो कौन होता है, स्मॉलेस्ट फीमेल एलिफेंट, तो ये गलत है। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, यही बताया मैंने आपको, सबसे ये जो लिखा हुआ है मादा हाथी जो है उम्रदार, तो ये इसका आंसर ये होगा। लार्जेस्ट मेल एलिफेंट, ये भी गलत है। स्मॉलेस्ट फीमेल एलिफेंट, ये भी गलत है, तो आपका आंसर सेकंड ठीक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चैप्टर 4 है, द स्टोरी ऑफ अमृता। तो चैप्टर 4 स्टोरी ऑफ अमृता के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर के कितने नोट्स हैं मेन इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें हैं। तो चलते हैं, तो जो चैप्टर 4 अमृता की स्टोरी, इसमें क्या है, इनके जो गांव है वहां पे वो क्या है, खेजरली विलेज है, वो जोधपुर में है राजस्थान के अंदर। तो द विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजाड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर, तो जो खेजड़ी ट्रीज हैं उनकी वजह से जो है खेजादली विलेज जो है वो क्या है, फेमस है खेजाड़ी ट्रीज की वजह से, तो उसका नाम क्या पड़ गया, खेजदली विलेज पड़ गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इस विलेज के अंदर गोट्स डियर और हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम फियरलेसली देयर, तो जो गोट्स वगैरह ये सब क्या है, बिना किसी डर के घूमते हैं, और जो इस जगह के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे यहाँ के लोगों को, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, इस तरीके का स्लोगन उन्होंने दिया था। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो हमारी बिना एग्जिस्टेंस के रह सकते हैं, बट लेकिन हम उनकी बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये वहाँ के जो एल्डर्स हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। तो आगे चलते हैं और जानते हैं चैप्टर के बारे में। तो अमृता देवी बिश्नोई जो थी, ठीक है, तो अमृता देवी बिश्नोई और जो उसके डॉटर्स थे, जो 100 ऑफ विलेजर्स थे, वो क्या करते थे, उन्होंने ट्रीज को प्रोटेक्ट किया हग करके, ठीक है, और मैनी पीपल्स इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। तो अमृता देवी बिश्नोई को और जितने भी उनके साथ लोग थे, उसकी बहनें और जो आसपास के लोग थे, उनको जो है मार दिया गया, क्योंकि जो राजा ने क्या करा था, राजा ने ऑर्डर दिया था कि आपको जो है पेड़ काट के लाने हैं, तो ये खेजड़ी ट्रीज हैं जो उन्होंने काटने के लिए बोला था, और इन्होंने क्या है इनको हग करा था, तो यहाँ इन्होंने जिन लोगों को भेजा था तो उन लोगों ने इनको मार दिया। तो अमृता देवी बिश्नोई जो है उन्होंने जो है प्रोटेक्ट करा था ट्रीज को। और आगे चलते हैं, तो ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, तो जो यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या बोल दिया गया, बिश्नोईज बोल दिया गया। तो जो खेजड़ी ट्रीज इज मेनली इन डेजर्ट एरिया, जो खेजड़ी ट्रीज हैं वो डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, और ये बिना ज्यादा पानी के उग जाते हैं, और जो इनकी जो छाल है, बार्क है, वो यूज करी जाती है मेडिसिन के लिए, और यहाँ के जो है पीपल खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह बीन्स खाते हैं, और जो इसकी जो वुड है, लकड़ी है खेजड़ी ट्रीज की, वो इंसेक्ट से इफेक्ट नहीं होती, और एनिमल्स जो है यहाँ के एरिया, जो इस एरिया के जो एनिमल्स है वो जो खेजड़ी ट्रीज की लीव्स होते हैं उनको खाते हैं, और जो चिल्ड्रंस हैं वो इसकी शेड में खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ के ये मेन मेन पॉइंट्स थे चैप्टर के जो मैंने आपको बताया, आप लिख लेना। और आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो चिपको मूवमेंट वॉज स्ट्रेंथन अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो चिपको मूवमेंट था वो किसकी स्ट्रेंथन में आया था, तो ये 2011 का सीटेट का बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी ट्रीज, स्टेटमेंट बतानी है खेजड़ी ट्रीज के बारे में। तो द ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया, ये तो ठीक है, इट ग्रोज विदाउट मच वाटर, ये भी ठीक है, इट इज शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये भी ठीक है, पर लेकिन जो डी पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट नहीं है, इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज थिन पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा ए बी सी। आगे चलते हैं, द विलेज गॉट इट्स नेम फॉर द मेनली खेजरी ट्रीज ग्रोइंग देयर, द पीपल ऑफ दिस विलेज टेक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स ट्रीज एंड एनिमल्स,
इन इंडिया दिस विलेजेस, तो इन इंडिया ये विलेज कहाँ पर है? तो मैंने बताया था ये राजस्थान में है ये जगह, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। और इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? राजस्थान में। आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर से जो थे मेन इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन आए थे, और यही मेन पॉइंट्स थे जो आपको इस चैप्टर से पढ़ने चाहिए सी टेट के लिए, तो ये मेन इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं, चैप्टर फिफ्थ है अनीता एंड दी हनी बीज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन क्या है? बोचाचा विलेज इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो जो बोचाचा विलेज है वो कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। और जो इसमें इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बताता जा रहा हूँ, ज्यादा आपको डिटेल में मैं स्टोरी नहीं बता रहा। जो हनी बीज है वो किस चीज पे अट्रैक्ट होती है? वो लीची फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होती है। लीची फ्लावर्स कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी। जो लीची फ्लावर्स है, लीची ट्रीज, जो उस पर फ्लावर आता है वो कब आता है? वो फेब्रवरी में आता है। और हनी बीज जो है अपने अंडे कब देती है? अक्टूबर टू दिसंबर। और ये जो है बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग का, मधुमक्खियों का पालन करने का। एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। तो जो एक बीहाइव है, मधुमक्खी का छत्ता है, वहां पे क्या होती है? एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन दी हाइव। तो कुछ ही मेल जो है हाइव के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर होते हैं। तो जो वर्कर बीज होती हैं वो क्या है? इन सर्च ऑफ नेक्टर वो घूमती हैं जगह जगह पे। और वो क्या है, जो फ्लावर्स होते हैं उनसे जो है नेक्टर कलेक्ट करती हैं ताकि वो हनी बना सकें। तो होता क्या है, व्हेन वन बी फाइंड्स, तो एक बी को अगर नेक्टर मिल जाता है तो वो स्पेशल काइंड ऑफ डांस करके दिखाती हैं ताकि जो है वो अदर बीज को बता सकें। वर्कर बीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाइव के लिए, और विदाउट जो वर्कर बीज है ना तो कोई मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना वो बन सकता है, ना ही एनी नेक्टर कलेक्शन हो सकता है। मेल बीज का एज ए वर्कर कोई रोल नहीं होता छत्ते के अंदर, जो हाइव होता है उसके अंदर। और जो बॉक्सेस हैं वो नीडेड होते हैं बीज को जो स्टोर करते हैं हनी, हनी स्टोर करने के लिए। और जो शुगर है, शुगर परचेज करी जाती है ताकि जो है सिरप, टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। तो ये जो है ताकि जो शुगर परचेज किया जाता है तो वो सिरप बना सके हनी के लिए। ठीक है, तो सिरप बनाते हैं हनी के लिए, एंड देन जो है वो हनी बीज को हेल्प करता है। मेडिसिन्स आर यूज्ड टू क्लीन दी बीहाइव्स। तो मेडिसिन्स भी परचेज करनी पड़ती हैं ताकि वो जो बीहाइव्स, जो उनका जो छत्ता है उसको साफ कर सके। आगे चलते हैं, व्हाट इज आरटी एक्ट 2009। तो इट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। तो ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये जो इस चैप्टर के अंदर है तो ये एक ट्रू स्टोरी है। अनीता जो है, अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार है, और ये एक तरीके का प्रोजेक्ट था जो विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड बाय देयर लाइफ गोइंग टू स्कूल। तो एक जो नॉर्मल लड़की थी उसकी जो है लाइफ के बारे में बताया गया, जिसने अपनी लाइफ को जो है चेंज करा है स्कूल जाके। तो ये अनीता कुशवाहा थी गर्ल स्टार। एंट लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो एंट है वो हनी बीज की तरह ही साथ रहती हैं और वर्क भी ऐसी करती हैं। द क्वीन एंट लेज द एग। तो जो क्वीन एंट होती है वो लेज, मतलब वो क्वीन एंट जो है वो बच्चे देती है। द शोल्डर एंट लुक एंड आफ्टर गार्ड द एंट्स और नेस्ट। तो जो शोल्डर एंट्स होती हैं वो उसका जो वो होता है, जो उनका नेस्ट होता है उसको जो है प्रोटेक्ट करती हैं। और वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। जो वर्कर एंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूड को लाने में जो है लगी रहती हैं। टर्माइट्स एंड वास्प आल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स और वास्प, वास्प क्या होते हैं, ततैए जो होते हैं, वो भी इस तरीके से ही झुंड में रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चैप्टर का। इन दी विलेजेस ऑफ बिहार मैनी फार्मर्स डू बी कीपिंग। तो बिहार में बहुत सारे फार्मर्स क्या है, बी कीपिंग करते हैं, कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, तो बेस्ट टाइम क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर है अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी कीपिंग। बी कीपिंग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जनवरी टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, तो ये तो गलत है फर्स्ट वाला। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स, ये ठीक है। बॉक्सेज आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय देम, ये भी ठीक है। शुगर इज परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बीज, ये भी ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ किसमें? थर्ड ऑप्शन में है, ये रहा थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन।
आगे चलते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है कि हनी बीज के लिए कौन सा स्टेट, जो मतलब कौन सा टाइम है बी कीपिंग के लिए सबसे अच्छा होता है, तो इसका आंसर होगा अक्टूबर टू दिसंबर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 में भी आया है और 24 दिसंबर 2021 में भी आया है। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टूगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। तो मैंने बताया आपको, टर्माइट जिसको दीमक बोलते हैं वो भी इस तरीके से रहते हैं, एंट एंट भी इस तरीके से रहती हैं, स्पाइडर स्पाइडर नहीं रहता, और वेस्प वेस्प भी इस तरीके से रहता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मकड़ी, इसका आंसर होगा मकड़ी। आगे चलते हैं, एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी, हर एक मधुमक्खी के जो छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। फ्यू मेल बीज एंड मैनी वर्कर बीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, तो क्वेश्चन क्या है, वर्कर बीज फ्लाई अराउंड इन सर्च ऑफ नेक्टर, तो ये तो ठीक है। मेल बीज डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, ये भी ठीक है। द क्वीन बी लेज एग्स, ये भी ठीक है, और वर्कर बीज आर फीमेल ओनली, ये भी ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है 16 दिसंबर पे, तो आपको इसका आंसर पता है, बी कीपिंग का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, अक्टूबर टू दिसंबर, और यही मैंने इसका हिंदी वर्जन में दे रखा है। आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हनी बीज। तो हमें क्या है, हनी बीज की करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ए ऑप्शन है, एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स, तो एक मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी होती है, वो जो है अंडे देती है, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, तो ये तो ठीक होगा। देयर आर ओनली फेल मेल बीज इन दी हाइव, तो वहां पे क्या है, फ्यू मेल बीज होती है हाइव के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हाइव, तो ये तो गलत है, ऐसा तो कहीं नहीं है। मोस्ट ऑफ दी बीज इन दी हाइव आर वर्कर बीज, तो जो बीज हैं वर्कर बीज क्या है, वो वर्कर बीज हैं मोस्ट ऑफ दी बीज, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। द मेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम, ये गलत है। ठीक है, तो अब आपके सामने कितने, देयर आर ओनली फ्यू मेल बीज इन दी हाइव, ठीक है ये भी ठीक है, तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे जो ठीक है, ए बी और डी। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड, ए बी डी। आगे चलते हैं, ये भी सेम यही है, इसका आंसर भी ए बी डी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम अबाउट द हनी बीज, ओनली क्वीन बी लेज एग्स, तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, ये भी ठीक है। ऑल फीमेल बीज लेज द एग्स, ये भी गलत है। वर्कर बीज लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये तीनों ठीक है, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ये जो है आपका ठीक होगा। हाँ, अब ये भी हिंदी का, ये हिंदी का है, तो इसका आंसर भी ए बी डी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हमने जहाँ तक पढ़ा था इतना ही, अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 9 10 11 12 13 14, जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीटेट से रिलेटेड, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को जितने भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और पढ़ते रहिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।